कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं गुजर रहा था यहाँ से तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये सीवरेज के बड़े बड़े जो पाइप होते हैं अक्सर आपने देखे होंगे सीमेंट के, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको आज कैसे बनते हैं, आप भी ज़रा देखें और इन्जॉय करें। अच्छा जी, ये इस टाइम वो साइड पर बने पड़े हैं, ये बने पड़े हैं, उसके अलावा ये सांचे हैं इनके, इसमें ये तैयार होते हैं। और ये है जी इस टाइम मसाला, मसाला बना रहे हैं ये पाइप्स के लिए, ये मशीन है इनकी। और ये देखें ये तैयारी में है इस वक्त, ये जी अभी मसाला तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये लगे हुए हैं इधर, ये मसाला बन रहा है, ये सांचा इन्होंने फिट किया हुआ है, ये थोड़ी देर तक बनाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, जब तक ये बनाना स्टार्ट करते हैं तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टोर कैसे करते हैं, इन्हें रखते कैसे हैं। ये देखें ये पाइप पड़े, इसके बाद इन्होंने ये पानी के तालाब बनाए हुए हैं जिनमें इन्हें रखते हैं पक्का करने के लिए, मजबूती के लिए। और ये मौसम इस वक्त चेक करें आप, आंधी आ रही है, सही मिट्टी उड़ेगी। मुल्तान वैसे भी कहते हैं कि चार चीज़ों के लिए मशहूर है, गर्द, गर्मा, गोरिस्तान और गदा, चार चीज़ें, यानी कि गर्मी, मिट्टी, फ़कीर लोग यानी कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो, और उसके अलावा कब्रिस्तान। ये जी मशीन इन्होंने स्टार्ट कर दी है, शोर होगा, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, जैसा आप प्रोसेस देखें। आंधी आ चुकी है, मिट्टी से हालत ख़राब है, अभी ज़रा काम थोड़ी जो सूरत हाल लग रही है कि उम्मीद है थोड़ी देर तक यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसे ये इसको भरते हैं सारे, उसके बाद ये पाइप, ये सांचे में ये देखें आप, ये पाइप बने हुए हैं, इसे सूखने के लिए रखा हुआ है, सूखने के बाद इस पर ये इसको निकालेंगे इसमें से, और जो आपको मैंने पीछे दिखाए हैं पानी वाले पोर्ट पूल, वहाँ पर इन्हें डाल दिया जाएगा। चलें ठीक हो गया जी, ये देखें जी ये सांचे तोड़ रहे हैं इस वक्त पाइप, ये सूख चुके हैं पहले, और ये जो सांचा ऊपर लगा हुआ है ऐसे ये अलहदा कर रहे हैं इससे, एक ये अलहदा कर चुके हैं, ये इस वक्त दूसरा कर रहे हैं। ये
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, चले जा चले आपको दिखा देता हूँ ये पाइप कैसे बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। बेल आइकन लाजमी दबाइए। बहुत शुक्रिया।